दोस्तों, कैसे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी का स्पेसिफिकेशन कैसे चेक कर सकते हैं, कितना उसमें रैम है, कितना उसमें प्रोसेसर है, उसका क्या स्पीड है। ये सब तो हमें बहुत आसानी से माई कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज चेक करते ही आपको पता चल जाएगा। चलिए, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में आप जानना चाहते हैं आपका लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन, उसका जो कंपोनेंट है कैसा है, अगर आपको रैम चेंज करना है तो आपको रैम आपका पीसी में कैसा लगता है, उसका डीडीआर कितना है, स्पीड कितना होगा, ये सब चेक करने के लिए जो है आपको आपका लैपटॉप का जो मॉडल है आप ऑनलाइन में डालेंगे तो वो सब आपको मिल जाएगा। फिर भी आप अपने पीसी से कैसे चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने पीसी के स्क्रीन पे, हमारा लैपटॉप का स्क्रीन पे। तो हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे जो है स्पेसिफिकेशन चेक करना है। तो सबसे पहले आप किसी फोल्डर में जाइए। फोल्डर में जाने के बाद में दिस पीसी है, और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको सारे स्पेसिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस नेम, प्रोसेसर, रैम, ये सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और तो ये सब तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और भी इससे ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आपको जाना होगा टास्क मैनेजर में। यहाँ पर टास्क मैनेजर पर क्लिक करते ही आपको देखिए, यहाँ पर टास्क मैनेजर में यहाँ पर प्रोसेसिंग पूरा जो हो रहा है हमारा पीसी में सब यहाँ पर दिखाता है। आप परफॉर्मेंस में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सीपीयू क्या काम कर रहा है, ये इसमें भी मॉडल सब दिखाई रहा है, इसका स्पीड कितना है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है, इसका कोर कितना है। और यहाँ पर देख सकिए ये रैम, आप यहाँ पर रैम का भी जो है सारे डिटेल देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है DDR5 जो है नहीं दिखा रहा है, DDR सॉरी रैम का DDR5 तो नहीं है, DDR4 क्या है, 3 है, ये सब आप यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। किसी किसी विंडोज में जो है आपको ये दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर 10 फोटो में देख सकते हैं। तो इस सब को जो है आपको अगर और भी डिटेल में जाना है तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आप जाइए अपना क्रोम ब्राउजर में और लिखिए CPU-Z। CPU-Z लिखते ही आपको एक वेबसाइट पर यहाँ पर ले जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इस वेबसाइट से जो आप इस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेटअप इंग्लिश, और यहाँ पर एक ऐड आएगा, आप इसको क्लोज करना है। और यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड नाउ, इसको डाउनलोड करने के बाद में जो है आप इंस्टॉल कीजिए अपने पीसी में। मैंने इंस्टॉल करके रखा है तो यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इंस्टॉल करने के बाद में जो है आपको यहाँ पर एक इस तरह का एप्लीकेशन आएगा, CPU-ID CPU-Z लिखकर। तो आप इसको जो है डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में जो है आपको यहाँ पर, तो दोस्तों देखिए ये प्रोग्राम जो है ओपन हो गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा जानकारी आपको CPU, AMD राइजन, ये इसमें क्या इसका वाट है, क्या इसका टेक्नोलॉजी है, कोर क्या है, सब इसमें आपको पूरा डिटेल आपको दिखा देगा। ये क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, सब आपको दिखाएगा। यहाँ पर कैच के बारे में भी दिखाएगा, मेन बोर्ड आपका मदरबोर्ड क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, आपको सब यहाँ पर दिखाएगा। और ये मेमोरी का आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका कितना चैनल है, मेरा डुअल चैनल है, और ये DDR4 है, कितना साइज है, 16 GB है, और इसका और भी सारा डिटेल जो है आपको पूरा डिटेल आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है आप देख सकते हैं।